अध्यक्ष भाई राजेंद्र जैसी जी, नागपुर मंडल अध्यक्ष भाई श्रवण यादव जी, रायपुर मंडल अध्यक्ष भाई केशव कुमार जी और रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडल से आए मेरे समस्त गुजारे साथी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, हम लोगों का ये जो दक्षिणपुर मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन की हम लोगों की नींव रखी थी 23 जनवरी 2012 को, और हम लोगों ने यह सोचकर इस संगठन की नींव रखी कि वर्षों से हमारे ट्रेडमैनों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। हमारे ट्रेडमैनों के बीच समस्याओं का अंबार था, जितनी समस्याएं अगर गिनती करें तो वो भी कम है। समस्याएं ही समस्याओं के बीच हमारे ट्रेडमैन साथी इतनी मेहनत, इतना रिस्क उठा के रेलवे की प्रगति में अपना योगदान सफलतापूर्वक दे रहे थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं था। साथियों, हम लोगों ने यह सोचकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन SECRTA की नींव रखी और जितनी भी समस्याएं थी उन सभी को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया, चाहे वो डिवीजन स्तर पर हो, चाहे जोन स्तर पर हो, चाहे रेलवे बोर्ड स्तर पर हो। सबसे पहली मांग हमारी, हमारे जितने भी साथी थे, क्योंकि सभी उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोगों ने ये मांग रखी कि जो है रिस्क और जितनी मेहनत हम लोग करते हैं तीनों मौसम की विपरीत परिस्थितियों में, तो क्यों ना मांग ऐसी रखी जाए जो परिश्रम का वास्तविक हमको हरजाना मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहली मांग रखी साथियों, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस जो हमारे बेसिक का 30% के रूप में हमको मिलना चाहिए। और दुख की बात है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है कभी भी हमारे संगठन का सहयोग नहीं दिया, बल्कि तान खींचने का ही काम किया साथियों। और तो हमारे जितने साथी थे उनको कृष्ण भैया, संजय भैया फोटो नहीं लिया, संजय भैया अपनी भाषण देते हुए हमारे बीच तो वीडियो जो बेसिक का 30% आप मांग कर रहे हो, ये कहाँ मिलेगा? इधर कैमरा है, लेफ्ट हैंड में कैमरा है, ठीक है, राइट साइड पकड़ना। आपको सभी को मालूम है, बस वीडियो बना रहा हूँ, जो 2700 मिल रहा है बन ले दो, संगठन की पहली जीत में डालूंगा ना वीडियो। हाँ ठीक, लासूर जोन की पहली जीत, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस 2700 प्रेस भाई को भेज दूंगा, वो बना के बढ़िया से भेजता है वो यूट्यूब। बहुत सी मांगे, जैसे हमारे जितने भी साथी हैं योग्यता की बात की जाए तो मैं बोलता हूँ रेलवे जितने विभाग हैं, अगर आप सभी विभागों की अगर सर्वे करा लीजिए, अगर इंजीनियरिंग विभाग की तुलना करेंगे तो किसी भी रूप में क्षमता में हो, योग्यता में हो, किसी भी रूप में हमारे कर्मचारी कम नहीं है किसी विभाग से। और दुख की बात यह है कि हमारे साथियों को योग्यता होने के बाद भी उनको पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है साथियों।